वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे वी डिस्कस डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। आज हमने देखना है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या फ़र्क है। फर्स्ट में देखते हैं इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन क्या है, व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन होती है इकोनॉमी के अंदर जब गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस है ना वो बढ़ जाती हैं, तो क्या होता है, इन्फ्लेशन होती है। डिफ्लेशन होती है जब इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस हैं ना वो डिक्रीज हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। डिफरेंस के अंदर में एक हमारे पास परचेजिंग पावर ऑफ मनी भी है, ये हमें बताती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के अंदर फ़र्क हो। इन्फ्लेशन के अंदर जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है ना इन रियल टर्म वो फॉल हो रहा होता है। इट मीन्स दैट देयर इज एन इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन द इकोनॉमी। इसका मतलब ये हुआ, एक पर्सन है जिसने कोई चीज़ ख़रीदनी होती है सेम पैसों में, जितनी वो पहले ज़्यादा ख़रीदता था उन्हीं पैसों में अब वो उसे चीज़ कम मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन में जो परचेजिंग पावर मनी है ना वो फॉल हो गई है। एग्जांपल लेते हैं एक पेन की, जो कि अगर हम 2 साल पहले पीछे जाएँ ना 5 रुपये का मिलता था, तो 5 रुपये के हिसाब से अगर 20 पेन अपने लेने हैं तो हमें 100 रुपये में मिलेंगे। अगर अब की बात करें तो वही जो पेन है ना 10 रुपये का हो गया, अब 100 रुपये में कितने पेन आएंगे, 10 पेन आएंगे, क्योंकि अब इन्फ्लेशन की वजह से ना पावर ऑफ परचेजिंग जो है ना मनी की वो फॉल हो चुकी है। और अगर बात करते हैं हम डिफ्लेशन की, डिफ्लेशन जो होता है ना वो काज होता है इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इसमें परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है ना वो इंक्रीज हो रही होती है। अगर एक पर्सन की बात करें तो जो पहले वो उसे सेम पैसों से सेम क्वांटिटी मिलती थी, अब वो उसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। डिफ्लेशन की एग्जांपल कुछ यूँ लेते हैं, लेट कर देते हैं एक पर्सन है जो कि पेन परचेज कर रहा है और पेन जो है ना एक की प्राइस जो है ना वो 15 रुपीज़ है पड़ी, वो 10 पेन परचेज करते तो उसे कितने भरने पड़ते हैं, 150 भरना पड़ता है, 150 रुपया अदा करता है उसका। अब जब डिफ्लेशन हुई तो उसकी जो प्राइसेज है ना वो 5 रुपये जो है ना कम हो के 10 हो गए। अब वो जब 15 जो पेन है ना परचेज करेगा तो उसकी कीमत कितनी अदा करना पड़ेगी उसे, सॉरी 10 जब पेन वो परचेज करेगा तो उसे 100 रुपीज़ अदा करना होंगे। पहले से कितना उसे सेविंग हो रही है, 50 रुपीज़ की। नेक्स्ट है डिफरेंस इन काजेज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जो गवर्नमेंट है ना कंट्री के अंदर, जो सेंट्रल बैंक है ना उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करके जो मनी सप्लाई है ना वो चेंज कर सकती है। अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो जो इंटरेस्ट रेट है ना वो बैंक जो है ना वो रिड्यूस कर देगा, तो इसके नतीजे में क्या होगा, जो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई हो रही होती है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से ना जो पीपल है ना उनके हाथों में ज़्यादा पैसे चले जाएंगे, उनके पास स्पेंडिंग जो ज़्यादा होगी, डिमांड वो ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से वो जो प्राइसेस है ना प्रोडक्ट की वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जब बहुत सारे लोग जो प्रोडक्ट्स को डिमांड करना शुरू कर देंगे, उन पर स्पेंडिंग करेंगे। और अगर दूसरी तरफ बात करते हैं हम डिफ्लेशन की, तो एक इसके काज बनते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ब्रिंग इन टाइट्स। मॉनेटरी पॉलिसी क्या कर देती है, टाइट कर देती है, इंक्रीजिंग इन इंटरेस्ट रेट टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है और जो मनी सप्लाई हो रही होती है ना इकोनॉमी के अंदर वो रिड्यूस हो जाती है। और डिफ्लेशन के अंदर जो मनी सप्लाई होती है ना वो लोअर होती है और मार्केट प्लेस में डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है ना वो फॉल होना शुरू हो जाती हैं, और इसकी वजह से जो प्राइसेज है ना मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स की वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। और अगर बात करते हैं हमने चेंज इन डिमांड की, जब चीज़ों की डिमांड चेंज होती है एट द ऑफ राइजिंग प्राइसेस, जो प्रोडक्ट्स की जो है ना प्राइसेस है वो बढ़ जाती हैं, तो पीपल ये जो लोग हैं ना ये बिलीव करते हैं कि आइंदा आने वाला जो वक्त है ना उसमें भी मजीद जो प्राइसेस है ना वो प्रोडक्ट की प्राइसेस और रेट्स जो है ना वो बढ़ जाने हैं, तो इस तरह से ना वो चीज़ों को धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर देते हैं, ताकि हम जो अब कम कीमत है ना उसी में खरीद लें, आने वाले वक्त में इसकी कीमतें जो है ना मजीद बढ़नी है। इससे क्या होता है, जो डिमांड है ना प्रोडक्ट की वो मजीद बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ती है ना किसी भी प्रोडक्ट की, उसकी प्राइस भले ना भी आने वाले वक्त में बढ़नी हो वो फिर भी इंक्रीज हो जाती है, और जब इंक्रीज होती है तो फिर इन्फ्लेशन हो जाती है। अगर इसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जब कीमतों में थोड़ी थोड़ी जो डिमांड में प्रोडक्ट की हो रही होती है उसकी कीमतों में ना
गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेज हैं उसमें कमी आती है, तो लोग ये समझते हैं कि मजीद भी इसमें कमी की तवक्को रखते हैं। वो ये समझते हैं कि आने वाले वक्त में मजीद जो प्राइसेज हैं ना वो भी कम होंगे, इसलिए जो इसकी डिमांड है ना वो कम करते हैं। तो इसके नतीजे में जो प्राइसेज हैं ना उसमें कमी आती है, डिफ्लेशन का सबब बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। जब प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा होता है ना किसी कंट्री के अंदर, तो उसमें इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की जो है ना कमी हो जाती है, तो वहाँ पे जो लेबर लगा दी जाती है, तो जब लेबर लगाती है ना वो कहते हैं जो हमारी वेजेस है ना वो बढ़ा दें। जब चीज़ें उन्हें महंगा मिलने शुरू स्टार्ट होती हैं तो वो अपने वेजेस बढ़ा देते हैं। जब उनके वेजेस बढ़ जाते हैं तो उससे गुड्स एंड सर्विस की जो कॉस्ट है ना वो भी इंक्रीज हो जाती है, और जो प्राइस हो रहा है ना चीज़ों की वो भी बढ़ जाती है। जब मजीद प्राइस जो है ना प्रोडक्ट की बढ़ेगी, तो जो लेबर है ना वो मजीद डिमांड करेंगे हमारी जो सैलरी है ना और बढ़ाएं, हमारा गुजारा जो है ना वो बड़ी मुश्किल से हो रहा है। इट रिजल्ट्स इन वेज प्राइस पर एंड काज इन्फ्लेशन। इससे क्या होगा, जब मजीद वो फोर्सली कहेंगे लेबर जो हमारे जो वेजेस है ना बढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होगा इन्फ्लेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर इसके दूसरी तरफ हम बात करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन जो है ना उसका इस्तेमाल ज़्यादा होना शुरू हो गया है, तो इससे क्या होता है डिक्रीज इन इनपुट कॉस्ट में भी पास डाउन द कंज्यूमर बाय रिड्यूसिंग द प्राइसेस। इससे क्या होगा, जो रिड्यूसिंग प्राइसेस हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, और जो इसका डिक्रीज इन द इनपुट और जो इनपुट हो रहा होता है इसमें कॉस्ट का वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और इसके अंदर जो सप्लाई है ना इंक्रीज होने से जो रेट्स हैं ना वो उनकी रिडक्शन होना शुरू हो जाएगी, तो इससे क्या है किस चीज़ की सबब बनेगा, ये डिफ्लेशनरी का सबब बनेगा इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट है डिफरेंस इन इफेक्ट्स। किसी भी इकोनॉमी के अंदर थोड़ी बहुत जो इन्फ्लेशन हो रही होती है ना, महंगाई हो रही होती है, वो इतना असर नहीं डालती, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है ना पैसे की कदर में तो कम कर को कम करता है, इसलिए ये नकदी को जमा करने के लिए गैर रुकावट के तौर पर काम करता है। ये कारोबार को ज़्यादा बचत करने के बजाय सरमायाकारी करने की तरगीब देता है, जिसके नतीजे में जो माशी सरगर्मियाँ हैं ना उनको फ़रोग मिलता है। अब जो इन्फ्लेशन है ना उसके क्या इफेक्ट पड़ रहा होता है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं पड़े ना उसके जो ओनर है ना इन्फ्लेशन के फ़ायदे उठाते हुए जो उसने सस्ती चीज़ प्रॉपर्टी खरीदी हुई होती है, तो उसकी जो वैल्यू उस वक्त बढ़ चुकी होती है, उसकी जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो चुकी होती हैं, उन्होंने जो असेट्स बनाए हुए होते हैं, तो उसकी जो मार्केट के अंदर प्राइसेस है ना वो हायर हो जाती हैं, और जो बायर है ना वो उस पर मोर मनी स्पेंड करेंगे उस चीज़ असेट्स को परचेज करने के लिए। अब इसमें देखते हैं जो हमारे पास है इन डिफ्लेशन, एक फ़र्द के नुक्ते नज़र से के मुताबिक जो इकनॉमी है ना उसके अंदर डिफ्लेशन है वो भी ज़रूरी है। लोग ख़रीदारी के वक्त कीमतों में मज़ीद कमी चाह रहे होते हैं, इसमें मज़ीद प्रोडक्ट जो है ना सस्ती हमें मिले, बट लॉन्ग टर्म के में ना जो डिफ्लेशन है ना वो इकनॉमी के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। जो प्राइसेस में कमी, मजबूरी तलब में कमी, बेरोजगारी, नाकामी और दिवालियापन और माशी सरगर्मियों में मजमूई तौर पर कमी का बाइस बनता है, और जो डिफ्लेशन है ना वो रिसेशन का बाइस बन रहा होता है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन को, या डिफ्लेशन को हमने कंट्रोल कैसे करते हैं। इन्फ्लेशन को फर्स्ट में देखते हैं कैसे कंट्रोल करते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए जो मनी सप्लाई है ना उसमें कंट्रेक्शन करनी है इकनॉमी में, और जो उसकी मोनिटरी पॉलिसी होती है ना उसमें चेंज करना होता है। मोनेटरी पॉलिसी में चेंज करके इकोनॉमी के अंदर जो उसकी मनी सप्लाई हो रही होती है ना उसको कंट्रैक्शन करनी होती है, और इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो इंक्रीज टू कंट्रोल लेंडिंग, उसको इंक्रीज करना होता है। ट्रेजरी सिक्योरिटीज आर सोल्ड थ्रू द ओपन मार्केट ऑपरेशन टू टेक अवे सरप्लस। कर्जों को कंट्रोल करने के लिए जो इसकी शरह सूद है ना इंटरेस्ट है उसमें क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट के ऑपरेशन के ज़रिए सेल किया जाता है ताकि इनसे ज़्यादा जो रकम है ना वो छीन ली जाए। टैक्स की शरह में भी इजाफा किया गया है। अब जो मार्केट के अंदर ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ को सेल आउट कर रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है जो लोगों के पास पैसा है ना वो वापस बैंक में जाना स्टार्ट हो जाएगा, लोग जब उसे परचेज करेंगे।
ये इकनॉमी में अखराजात को कम करता है। गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की पर अपने जो अखराजात को भी कंट्रोल कर दिया है। सब मार्केट में डिमांड और लिक्विडिटी में कमी का बायस बनते हैं। ये कीमतों जो प्राइसेस होती हैं उसमें मज़ीद कमी और इन्फ्लेशन का बायस बन रहे होते हैं। इस तरह से क्या होता है, जो इन्फ्लेशन हो रही होती है ना, वो कंट्रोल की जा सकती है। अब डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल बैंक जो है ना, वो सेम अप्रोच इसी तरह से वो डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसका बुनियादी ख्याल आवाम के हाथ में जो ज़्यादा लिक्विडिटी और काबिल इस्तेमाल आमदनी पैदा करना है, तो सी ही मालियाती पॉलिसी अमल में आती है। कर्ज लेने की हौसला अफजाई के लिए जो शरह सूद यानी इंटरेस्ट रेट है ना, उसमें कमी की जाती है। खुली मंडियाँ जो हैं उसके ऑपरेशन मजीद वैल्यूएशन में पैसा लगाते हैं। डिफ्लेशन के अंदर डिमांड को बढ़ाने के लिए जो टैक्स की शरह है ना, वो भी कम कर दी जाती है। गवर्नमेंट्स अपने अखराजात को कम करने के बजाय बढ़ाती हैं, जैसा कि महंगाई के मामले में हो रहा होता है। ये इकदाम तो इकनॉमी में ज़रूरत में इजाफे का बायस बनते हैं, जिसके नतीजे के तौर पर जो कि प्राइस है ना, उसमें इजाफा होता है और इसकी वजह से जो डिफ्लेशन है ना, उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन डिमांड। जो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो रही होती है ना, उसका डिमांड के ऊपर जो है ना, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। इन्फ्लेशन में अगर देखते हैं तो डिमांड है ना, वो प्रोडक्ट के एंड सर्विसेज की वो इंक्रीज हो जाती है, और अगर डिफ्लेशन में देखते हैं ना, डिमांड जो है ना प्रोडक्ट की वो एंड सर्विसेज की वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन नेशनल इनकम। जो हमारे पास है ना इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है ना, उसका नेशनल इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। जो इन्फ्लेशन होती है ना, उसका इम्पैक्ट नेशनल इनकम इनकम जो हो रही होती है ना, उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता। जो डिफ्लेशन होती है ना, उसका उससे जो नेशनल इनकम है ना, वो रिजल्ट के तौर पर डिसलाइन हो जाती है डिफ्लेशन के अंदर। नेक्स्ट है कंसिक्वेंसेस सीन। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ना, इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है ना, वो इक्वल नहीं हो रही होती इन्फ्लेशन के अंदर। जब इन्फ्लेशन होती है ना, उससे क्या हो रहा है, जो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो सब सबके पास सेम नहीं होती रहती रिजल्ट के तौर पर। और जब डिफ्लेशन के अंदर हो है ना, डिफ्लेशन को देखते हैं, देर इज़ अ राइज अ लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है ना, वो राइज हो जाता है इन द नेशन एज अ रिजल्ट ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन डिफ्लेशन के नतीजे के तौर पर किसी भी कौम के में जब ये राइज होती है, तो उसके क्या हो रहा होता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है ना, वो राइज हो जाता है। लास्ट में क्या है, इज इट बेनिफिशियल। क्या हमारे पास जो है ना, ये बेनिफिशियल है कि नहीं है, जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है। इकनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन हो रही होती है, वो गुड समझी जाती है। मॉडरेट लेवल पर जो इन्फ्लेशन हो रही होती है ना, वो गुड कंसिडर की जाती है। और जो डिफ्लेशन है ना, वो कहते हैं जो भी इसे कैलकुलेट करेंगे, तो तब ये हमें अमाउंट जो हमारे पास सामने आएगी, उससे पता चलेगा क्या ये गुड है या फिर बैड है। सो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू वेरी मच।